टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग फंजाई के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मेनली हम लोग हाइफी और माइसेलियम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम लोग कि फंजाई का बॉडी जो होता है वो मल्टी सेलर होता है, लेकिन हर एक सेल के ऊपर काइटीन होता है, काइटीन का सेल वॉल होता है। सेल वॉल होगा वो भी किसका? काइटीन का, न्यूक्लियस है इसके अंदर। अब ये एक सेल का तो एक ईस्ट है एक्सेप्शन, जो कि एक सेल का फंजाई होता है, बाकी सारे मल्टी सेलर फंजाई होते हैं, यानी कि इसका सेल जो है ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा इस तरह से। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? फिलामेंट। ये क्या हो जाएगा? फिलामेंट, इधर लिख दे रहा हूं, फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो हुआ ये मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है। तो यानी कि जो फंजाई का बॉडी होता है मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस होता है। यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, फिलामेंटस होता है। यहां पे फिलामेंट मिलता है यानी कि टीशू नहीं मिलता है। मल्टी सेलुलर तो है लेकिन टीशू लेवल पे नहीं गया है, फिलामेंटस पे ही रुक गया है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, टीशू नहीं बना है। अब ये जो फिलामेंटस बॉडी होता है, इसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी नहीं स्ट्रक्चर, एक फिलामेंट जो हुआ, दिस वन फिलामेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। हाइफी नथिंग बट दिस फिलामेंट, ये फिलामेंट जो है यही, दिस इज कॉल्ड हाइफी। अब ओके, तो ये हाइफी जो हुआ, ये हाइफी क्या हुआ? फंजाई का बॉडी किससे बना हुआ है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हाइफी। अब इस हाइफी की बात करें तो हाइफी दो तरह का हो जाएगा, ये हाइफी टू टाइप का हो गया। क्या क्या? तो एक आप ऐसा ही रहेगा जिसमें दो सेल के बीच में सेप्टेशन हो, इसको कहेंगे सेप्टेट, ऐसा कहते हैं सेप्टेट। और दूसरा हाइफी होता है ए सेप्टेट, ए मीन्स नॉट, ठीक है, एक सेप्टेट हुआ और दूसरा ए सेप्टेट हुआ, दो तरह का हो गया। अभी दो तरह में क्या होता है, ए सेप्टेट का एक और नाम है जो कि फेमस है, सिनोसिटी। ए सेप्टेट को और क्या बोलते हैं? ये ए सेप्टेट या सिनोसिटिक, दो नाम हुआ इसका, सिनोसिटिक ही ज्यादा फेमस है। ए सेप्टेट आपको टेक्निकल टर्म इसके लिए सिनोसिटिक हुआ। अब क्या होता है कि सेप्टेट में देख लीजिए, जैसे ये फिलामेंट है, फिलामेंट और हाइफी दोनों सेम होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया। तो अब देखिए, ये इसका जो बॉडी है ऐसे है, बहुत सारा सेल है और सारे सेल के बीच में क्या है, बहुत सारा न्यूक्लियस है और हर न्यूक्लियस यानी कि एक सेल हुआ और उसके बीच में सेप्टेशन है। तो ये क्या हो गया? यूनिन्यूक्लिएटेड सेप्टेट है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ये हाइफी क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड सेप्टेट स्ट्रक्चर या सेप्टेट फिलामेंट। ये क्या है? न्यूक्लिएटेड और सेप्टेट है फिलामेंट। तो उसको क्या कहेंगे? सेप्टेट हाइफी। लेकिन ए सेप्टेट हाइफी क्या हो जाएगा? ए सेप्टेट हाइफी में आपको आएगा ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, जैसे देखिए यहां पे सिलेंडर बन गया, इसमें मल्टी न्यूक्लियस भी है, ठीक है, लेकिन बीच में सेप्टेशन नहीं है, बीच में सेप्टेशन नहीं है इसमें। तो ये क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विदाउट सेप्टेशन। तो सिनोसिटिक हाइफी क्या हो गया? इट इज सेप, तीन बातें इसमें देखनी है, एक क्या कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, दूसरा सेप्टेशन नहीं है और तीसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज मल्टी,
ठीक है। तो दो न्यूक्लियस के बीच में कोई सेप्टेशन नहीं है, तो उसको एसेप्टेट या सिनोसिटी कहेंगे, और जहां सेप्टेशन हो गया वो सेप्टेट हो गया। अब ये हाइफी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया माइसेलियम। माइसेलियम अभी देखिए हम, माइसेलियम क्या होता है, ये हाइफी हो गया। माइसेलियम एक्चुअली नेटवर्क ऑफ हाइफी होता है, माइसेलियम ये कुछ और नहीं बल्कि एक ही एल होगा, माइसेलियम ये क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी। एक थ्रेड से नहीं बना रहेगा, बहुत सारा थ्रेड, ये जो बॉडी रहेगा फंजाई का वो एक थ्रेड का नहीं रहेगा, एक के ऊपर एक बहुत सारे थ्रेड उलझे हुए रहेंगे, जैसे लड़की लोग की चोटी होती है ना उसमें बाल उलझा हुआ होता है, सेम वे में हाइफी उलझा रहता है। और उस उलझे हुए हाइफी को क्या, अगर बाल हो गया आपको हाइफी तो चोटी हो गई क्या, माइसेलियम। तो ये क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसेलियम। माइसेलियम क्या हो गया, नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी, जैसे ये कि ये हाइफी है, यहां हाइफी हो गया, दूसरा हाइफी ऐसे आ गया, ये दूसरा हाइफी है, दो हाइफी हुआ, तीसरा हाइफी इसी में आएगा, ऐसे बहुत सारा हाइफी एक साथ रहेगा, ऐसा नहीं एक दो, सैकड़ों हजारों में रहेंगे, लेकिन एक दो हम तीन ही बना के छोड़ दे रहा हूं क्योंकि पेन से तो कंजस्टेड हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये नेटवर्क ऑफ हाइफी हो गया, ये एक हाइफी है और सबको मिला दिए तो क्या हो जाएगा, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसेलियम। ओके, तो ये हाइफी हो गया, फिलामेंटस बॉडी का स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिससे कि पूरा फंजाई का बॉडी बना होता है, हाइफी होता है, वो हाइफी में अगर सेप्टेशन हो तो सेप्टेट कहेंगे, सेप्टेशन नहीं हो तो एसेप्टेट, जिसको सिनोसिटिक भी बोलते हैं, और उसी हाइफी का जो नेटवर्क होगा तो उसको क्या कहेंगे, माइसेलियम कहेंगे। ओके, तो ये बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, नेक्स्ट में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे फंजाई का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।